इस स्टोरी में कुछ वैज्ञानिक चूहे का डीएनए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अचानक तकनीकी खराबी से आग लग जाती है, सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन कैरी लास्ट सर्वाइवर बची होती है। कैरी जल्दी से दरवाजे के पास पहुंचती है और जल्दी से कैप्सूल को डिटेच कर देती है। तभी स्पेस में ब्लास्ट होता जिससे उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ डेविस अपने दोस्त अल्पीना जाति के गोरिल्ला से मिलाता है। उसी रात वो तीनों जेनेटिक डीएनए कैप्सूल धरती पर गिरते हैं। वो तीनों डीएनए का मगरमच्छ, भेड़िया और गोरिल्ला पर इफेक्ट करता है। उनका साइज बहुत बड़ा और ताकतवर हो जाते हैं। अब तीनों एक शहर को तबाह करने लगते हैं, बिल्डिंग की तोड़ फोड़ करने लगे हैं। वहाँ पर मिलिट्री फोर्स आती है, लेकिन उनको कंट्रोल में करना मिलिट्री के लिए पॉसिबल नहीं था।